हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास प्लस वन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बेटा, बहुत काम आएगा प्लस टू में भी और वन में भी। हमारे पास जब हम सेकंड सेम का चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट एंड डिफ्रेंशिएशन के नाम से होगा, वहाँ पर भी ये काम आएगा। आज हमारा इस चैप्टर के अंदर सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल हमारे पास कैसे बनता है, आर्क बाय रेडियस से हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, 3.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। 3.1 में बेटा हमने 4 तक के क्वेश्चन आपको बताए थे। अब आगे 3.1 में हमारे पास 6th और 7th दो क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन ये एलिमेंट के हैं, किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी साथ में सोल्व हो जाएगी, यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा कंसेप्ट था हम एंगल कैसे निकालते हैं। हमारा एंगल कैसे आता बेटा, एंगल का फार्मूला क्या था, आर्क बाय रेडियस। और जो ये एंगल आएगा हमेशा यहाँ से जो एंगल आएगा उसके यूनिट क्या होंगे बेटा, रेडियन। क्या यूनिट होंगे आपके पास, इस एंगल के यूनिट होंगे जो रेडियन में होंगे। और हमने पढ़ा था पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री रेडियन में, 1 रेडियन होता है 180 डिग्री बाय पाई, और 1 डिग्री होता है ये 180 इसके डिवाइड में आ जाएगा पाई रेडियन बाय 180। ठीक है, ये दो या तीन बातें थी, एक ये कंसेप्ट था, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की लेक्चर के अनुसार जो आज का फर्स्ट है। इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये कहता है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब जो आर्क है उसकी लेंथ क्या है दोनों में सेम है। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इसकी जैसे ये लेंथ है उसी तरह इसकी ये लेंथ है, इसकी लेंथ अलग है और इसका रेडियस अलग अलग हो सकता है। अगर ये यहां से यहां तक की लेंथ x है बेटा, तो इसकी ये लेंथ भी इसके अकॉर्डिंग x है, मतलब दोनों के आर्क की लेंथ सेम है। क्वेश्चन पढ़ा हमने, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, जो उसकी आर्क है उसकी लेंथ क्या है, सेम है। सबटेंडेड एंगल, और उन्होंने एंगल कितने कितने सबटेंडेड किए हैं, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर। अब आप बच्चे बताइए, जो बड़ा सर्कल होगा उसमें तो एंगल आपके पास 60 का काम करेगा और जो छोटा सर्कल होगा उसमें 75 का काम करेगा, समझ गए ना। क्योंकि सर्कल अगर छोटा हो गया तो उसको यहाँ से इस पैरामीटर पर चलने के लिए बहुत ज़्यादा सफर तैयार करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ये एंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसका एंगल 75 बनेगा। पेपर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जिसका रेडियस छोटा है अगर दोनों के आर्क की लेंथ सेम है तो इसके हिस्से में तो एंगल बड़ा आएगा और इसके हिस्से में एंगल क्या आएगा, छोटा आएगा। एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियाई के आपने रेशो बतानी। जैसे हमारे पास इसका रेडियस आर वन और इसका रेडियस आर टू, तो एंगल थीटा होता है आर्क की लेंथ बाय रेडियस। थीटा होगा ये थीटा वन ये थीटा टू, लेंथ लेंथ दोनों की क्या है, सेम, और इसका रेडियस क्या होगा, आर टू। ठीक है, आप को किस किस का रेशो बताना है, रेशो ऑफ देयर रेडियाई आर वन और आर टू का आपने रेशो बताना है। तो यहां से बेटा आर वन आ जाएगा, आर वन आ जाएगा एल बाय थीटा वन, और यहां से आर टू आ जाएगा एल बाय थीटा टू। ये रेडियस दोनों का हम क्या लेंगे, रेशो लेंगे एल बाय थीटा वन, इसका रेशो एल बाई थीटा टू के साथ। लेंथ तो दोनों की क्या है, सेम है। लेंथ कितनी दोनों में, एक्स, और इसकी भी लेंथ बेटा कितनी है, एक्स।
इसका एंगल कितना है 60 डिग्री है, लेकिन हमेशा एंगल रेडियन में होता है। तो अगर डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री की जगह पर क्या लिख देंगे, पाई रेडियन बाय 180। दोनों में सेम कंसेप्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो आपके पास क्या होगा, इसको भी जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री और यहाँ पर पाई रेडियन। तो 180 से ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, या ऐसे ही कर दें 180 से इसका 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रेशो सिस्टम में बेटा। और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई रेडियन से पाई रेडियन क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर 1/60 बचेगा, मैंने 1/60 रख लिया इधर और 1/75 रख लिया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 75 इधर आ जाएगा और 60 इधर आ जाएगा। रेशो में, रेशो है R1 रेशो R2, 5 की टेबल पे जाएगा 15 आ जाएगा 12, ठीक है, या 15 की ही टेबल पर डायरेक्ट चला जाता तो 5 आ जाता और ये कितना आ जाता, 4 आ जाता। देयर रेडियाई आर इन रेशो 5:4। R1 का जो रेडियस है अपने पास, इसके R1 के 5 हिस्से होंगे तो R2 4 होगा। तो मैंने आपको बताया नहीं था, जो ये रेडियस है ये बड़ा होगा और ये रेडियस बेटा क्या हुआ, छोटा। आपको सर्कल से भी नज़र आ रहा होगा ना, ये रेडियस छोटा है और ये बड़ा है। तो दे आर इन रेशो 5:4, ठीक है। हमारे से रेशो पूछा था, हमने रेडियाई का क्या बता दिया, रेशो बता दिया। अब आप बोलोगे इसमें तो रेडियन और डिग्री वाली कोई बात ही नहीं थी, अगर हमें एंगल का फार्मूला नहीं आता ये, और इसका कन्वर्जन ज़रूरी नहीं था यहाँ पर, क्योंकि दोनों में रेशो में तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम डिग्री से रेडियन में ऐसे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू NCERT फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना किसका, इन रेडियन थ्रू विच, जो एंगल है वो किस में फाइंड करना है, रेडियन में। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एट आर्क लेंथ, एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 15 सेंटीमीटर, एक बार 21 सेंटीमीटर। क्या होता है, इसने बोला कि उसके पास पेंडुलम है, पेंडुलम घड़ी में नहीं होता, जैसे ये पेंडुलम, एक पेंडुलम ऐसे, ठीक है, एक पेंडुलम ऐसे। जब आप फिजिक्स की ग्रेविटेशनल 6th यूनिट पढ़ोगे वहाँ पर पेंडुलम का आपका कंसेप्ट आएगा, या आपने 10th में भी पढ़ा होगा बेटा। इसने बोला कि जैसे हम इसको स्विंग करते हैं, एक बार तो उसने लेंथ बनाई 10 सेंटीमीटर, एक बार उसने लेंथ बनाई 15 सेंटीमीटर और एक बार लेंथ बनाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। देखो मैंने डायग्राम बनाया है, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ आपको इजी से समझ में आ जाए। फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल आपने रेडियन में बताना है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग, जिससे पेंडुलम को एक स्विंग किया जाता है ऐसे, कई बार आपने देखा होगा जो घड़ी के नीचे एक पेंडुलम होता है वो इधर चलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है। पहले टाइम नोटिफिकेशन का यही मेथड था भाई, हिला के छोड़ देते, उसके अनुसार ही टाइम पीरियड क्या रहता है उसका सेम। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 15 सेंटीमीटर में जितना टाइम लग रहा उतना ही 21 सेंटीमीटर वाले में लगता है और इतना ही इसमें लगता है, ठीक है, वहाँ पर टाइम पीरियड क्या होता है इसका सेम होता है, वो फिजिक्स का कंसेप्ट है बेटा। इफ़ इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लेंथ 75 है, पेंडुलम कौन सा है, ये जो हमें शो हो रहा है ये क्या है, पेंडुलम है, हर किसी में 75 सेंटीमीटर है,
मतलब यहां पर इसने ये नहीं क्लियर किया कि रेडियस क्या है, इसने बोल दिया पेंडुलम। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके 10th में आता था जिसमें सर्कल वाला चैप्टर था आपका 12.2 में या 12.1 में, 12.1 में नहीं था, 12.2 में था, जिसमें ये बोला था कि ये घड़ी की सुई है जिसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है और वो 5 मिनट के अंदर कितने जो एरिया बनाएगी, सेक्टर का एरिया पूछा गया था, कुछ याद हो तो आपके बेटा। वैसा ही यहाँ पर है, पेंडुलम की लेंथ दी गई है और ये बताया गया है जो उसके द्वारा आर्क जो लेंथ बनी, ठीक है, द टिप डिस्क्राइब एंड आर्क ऑफ लेंथ, जो उसकी टिप है उसने कुछ लेंथ बनाई। तो आपने हर किसी का एंगल रेडियन में बताना है। एंगल का फार्मूला बेटा क्या होता है, थीटा आर्क, अभी लिखा था हमने आर्क बाय रेडियस, इसकी आर्क कितनी है 10, रेडियस कितना है 75, इसमें थीटा आर्क कितनी है 15, रेडियस कितना है 75, क्योंकि ये किसका काम करेगा, मन की आंखों से देखेंगे तो सर्कल का, तो रेडियस 75 है। और यहाँ से थीटा आर्क बाय रेडियस, 5 के टेबल पे चला जाएगा 2/25 थीटा आया, यहाँ से थीटा 5 कैंसिल किया तो 3, 5 से कैंसिल किया तो 15, 3 से 5 1/5 रेडियन, रेडियन यहाँ से थीटा 3 की टेबल पे 7, 3 की टेबल पे 25 रेडियन। आपके ये एंगल आगे किस में, रेडियन में, अगर डिग्री में पूछता तो हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय क्या लिख देते, पाई लिख देते, तो आपका रिजल्ट किस में आ जाता, डिग्री में आ जाता। हमेशा आर्क बाय रेडियस करने से जो एंगल आता है वो हमेशा किस में होता है बेटा, रेडियन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, जो बचे हुए दो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया, जब मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है तो अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं पढ़ता हूं अभी, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन, इसका मैग्नीट्यूड किसी चीज का पूछा जाता है किस में, रेडियन एंड डिग्री दोनों में बताना है, मैग्नीट रेडियन में भी बताना है और डिग्री में बताना, ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, रेगुलर जो पेंटागन है, पेंटागन कैसे होती है जिसकी 5 साइडें हो, पेंटागन, ये पेंटागन है और ये रेक्टेंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, जिसकी 4 साइडें हो, 5 पेंटागन, 6 जिसकी हो हेक्सागन। इसने पूछा कि इसका इंटीरियर एंगल क्या होता है, हर कोई इसका जो एंगल होता है ना वो सेम होता है बेटा, हर जगह पर ये वैसे बना दिया मैंने, लेकिन पेंटागन ऐसे बनेगा एक्चुअल में, हर कोई उसका एंगल क्या होगा सेम होगा, और साइड भी क्या होती है सेम होती है, ये है एक्चुअल की पेंटागन, सारी साइडें भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका एक एंगल कितना होता है, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनती है, ट्रायंगल बनती है, पेंटागन बनती है, जितनी भी पॉलीगन बनती है, पॉली का मतलब बहुत, गन का मतलब साइडें, ठीक है, पेंटागन ये इसकी जो साइडें, रेक्टेंगल, तो जो एंगल होते हैं टोटल वो होता है एन माइनस 2/180 डिग्री, किसी भी पॉलीगन का एंगल, पॉलीगन का एंगल, ये फार्मूला ध्यान रख लेना, एन माइनस 2/180 डिग्री, एन का मतलब नंबर ऑफ साइड और 2 हमेशा फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस किया गया, इनटू में होता 180, यहां से टोटल सम आ जाता उस पॉलीगन के एंगल का। जैसे आपको पता है इसके एंगल का सम कितना है बताइए बेटा, 360, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूँ तो मेरे पास साइडें कितनी हो जाएगी 3, एन की जगह जब मैं 3 रखूँगा, 3 माइनस 2 इंटू में 180, 3 में से 2 गया 180 इंटू में 180 डिग्री आया। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो कितनी साइडें आ गई मेरे पास, 4 साइडें आ गई, तो यहाँ से टोटल जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 4 माइनस 2 180,
4 में से 2 गया 2 और 180 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री कितना आएगा बेटा, 360 डिग्री आपको ही पता है। तो सेम ऐसे ही जब ये पेंटागन आएगी तो पेंटागन पे क्या हो जाएगा, कितनी साइडें हो गई 5, एन की जगह हम क्या रखेंगे 5, 5 माइनस 2 180 डिग्री, तो 3 इंटू में 180 डिग्री 540, ठीक है 540 डिग्री आएगा। यह है पूरे का, और इसका एक एंगल पूछा जाए रेक्टेंगल का, एक एंगल क्या होता है इंटीरियर, एक एंगल पूछा जाता है अंदर के, एक एंगल की बारे में बात हो तो हम जितनी साइडें होती हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, 4 है तो 4, 3 है तो 3, अब 5 है तो 5, 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 108, 108 डिग्री आएगा, 108 डिग्री रिजल्ट आएगा बेटा, 108 डिग्री, 108 डिग्री कब आता है जब पेंटागन का इंटीरियर एंगल की बात हो, डिग्री द इंटीरियर एंगल ऑफ, ठीक है ए रेगुलर पेंटागन, इंटीरियर अंतःकोण की बात हो तो ओनली हम एक एंगल के बारे में जिक्र करते हैं, पेंटागन के सारे एंगलों का सम कितना होता है 540 और उसका एक एंगल कितने का होता है 108 का, रेक्टेंगल का एक एंगल कितने का होता है जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास जिसकी चारों साइड इक्वल लेके चले हम 90 का, और टोटल सम कितना होता है 360। तो यहाँ पर भी इंटीरियर एंगल की बात करें तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। हमेशा जब भी एंगल पूछा जाए तो हम एक ही एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है, एक ही एंगल निकालना हो तो ये क्यों माथा पच्चे की, तो उसके लिए फार्मूला ऐसे बना सकते हैं एन माइनस टू बाय में एन इन टू में 180, 3 है तो एन की जगह 3 से डिवाइड अभी किया, 4 है तो 4 से डिवाइड और 5 है तो 5 से डिवाइड। ये क्वेश्चन बेटा क्लियर है, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना हो, एक एंगल निकालना हो तो एन माइनस टू डिवाइड बाय होल में एन और इनटू में 180, ऐसा करने से कोई भी पॉलीगन हो उसके इंटीरियर एंगल का हमें पता चल जाता है, ठीक है। आशा करते हैं बेटा ये बात आपके समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट है, देखिए उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू, द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, दो पॉलीगन है पता नहीं कितनी सारी साइडें हैं, ठीक है। आकृति बेटा ड्राइंग में थोड़ी सी कमी है, समझ लेना, बात समझने वाली है मैथ के अकॉर्डिंग, ड्राइंग नहीं जरूरी है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, दो पॉलीगन है आर एज 5:4, उनकी साइड 5:4 है, इसमें साइड अगर 5 है तो इसमें कितनी है 4, तो हम इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी 5x और इसकी नंबर ऑफ साइड बेटा कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है। हमें पता चल गया भाई एक के साइड 4x होगी तो दूसरे की 5x हो जाएगी क्योंकि रेशो बताया था। आगे बोला एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री, इंटीरियर एंगल आएगा यहाँ पर इज 9 डिग्री, उसके कोणों का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री है, एंगल का डिफरेंस। अभी सिखाया था आपको किसी भी पॉलीगन का एंगल कैसे निकालते हैं, क्या बताया था बेटा अगर किसी में साइड एन है, किसी में साइड ऐसे ऐसे एन है तो एंगल क्या होता है एन माइनस टू बाय एन और इन टू में क्या होता है 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर समझिए, इसने बोला दो रेगुलर पॉलीगन है उनके साइड 5:4 में है या 4:5 जो भी है और उनके एंगल का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री है, कितने डिग्री है बेटा 9 डिग्री है, तो आप बताइए, तो आपने बताना है उनमें साइड कितनी कितनी है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन का बेटा मैं वो बताना भूल गया आपको, ओनली डिग्री में एंगल बताया है 108, आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, एक डिग्री की जगह क्या लिखते हैं पाई, 180 बाय पाई लिखते हैं ना, 1 डिग्री को क्या लिखते थे
180 डिग्री होता है पाई रेडियन के, एक डिग्री किसके इक्वल होगा पाई बाय 180, तो 108 पाई बाय 180। पिछले क्वेश्चन की एक बात अधूरी रह गई थी वो याद आ गई, तो ऐसे कर लेना ठीक है। यहाँ पर साइडों के बारे में पता चला, रेशो दे रखा था 5:4, तो इसकी साइड 5x और इसकी साइड 4x। इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा बताओ, जितनी नंबर ऑफ साइड होती है उसमें से 2 माइनस करके और जितनी साइड है उससे डिवाइड कर देते हैं, इसका ये एंगल आ गया। माइनस कर देंगे 4x माइनस के 2 डिवाइड बाय 4x, इसके भी इनटू में 180 आएगा और इसके भी इनटू में 180 आएगा, क्योंकि 180 बगैर तो इंटीरियर एंगल नहीं आता। और आगे बोला देन द एंगल इज 9 डिग्री, जो उनके बीच का एंगल डिफरेंस है बेटा वो कितना है 9 डिग्री है, सो रहा होगा आपको 9 डिग्री। तो यहां पर क्या कॉमन है दोनों में से, 180 कॉमन आ गया, नीचे से x कॉमन आ गया, क्या क्या बच गया, 5x माइनस 2/5 बचा, माइनस के 4x माइनस 2/4 बचा। इनके एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो बेटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितने एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा, इससे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 20x माइनस 8, इससे कट करेंगे तो 5 माइनस का 20x माइनस माइनस प्लस का 10, और आपके पास 180 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, 180 डिग्री बाय में एक्स इज इक्वल टू 9 ठीक है। तो इससे ये टर्म अगर हम कैंसिल करें 20 से, ये कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहां पर 9 बाय एक्स बचा, अंदर देखिए 20x से 20x गया, यहां पर प्लस का 2 बचा बेटा और ये 9 बचा, x तो इधर ले आए और 9 डिवाइड में आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x 2 आया है हमारे पास, x कितना आया है 2 आया है, हमारे से क्या पूछी थी नंबर ऑफ साइड पूछी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास की 2, यहाँ पर जब मैं x की जगह 2 रखूँगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 8। तो एक में तो नंबर ऑफ साइड 10 है और एक में नंबर ऑफ साइड कितनी है बेटा 8 है। तो ऐसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उसके 2 लेक्चर हुए हैं बेटा, अपना काम साथ के साथ करते रहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस टू में काम आएगा, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है हमने ठीक है। साथ के साथ चलेंगे, एनसीईआरटी करेंगे पहले, और साथ में बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सारी बातें सबके याद होनी चाहिए, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए वो, तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे, अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं होगी ठीक है। आज की कहानी बेटा यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने एजुकेशन ग्रुप में, जितने भी आपके पास जो आपके फ्रेंड है, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और कल संडे है तो कल वीडियो नहीं आएगी, नेक्स्ट मंडे आपको वीडियो मिलेगी, तब तक आप अपने वो जो बचे हुए हैं बेसिक कंसेप्ट के नाम से ट्रिग्नोमेट्रिक वाले वो अच्छी तरह कवर कीजिए। ओके बेटा।